सभी दोस्तों का स्वागत है एक और नया ब्लॉग, एक और नया दिन। तो अभी मैं दानापुर में हूँ और ये हमारा आज चौथा दिन है और यहाँ पे इसी मंदिर पे हम रुके हुए थे इस जगह पे। और जो भी इस मंदिर के जो पुजारी जी थे ना, वो हमको चाबी दे दिए थे इस मंदिर का और बोले थे यहाँ पे रुक जाना। सुबह में एक भाई भी आए थे हमसे मिलने के लिए। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और एक भैया आए हैं मिलने के लिए, तो आपको भी मिलाते हैं उनसे। स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। कहाँ से आए हैं आप? पटेल नगर से। पटेल नगर से ना, आप हमको कितना दिन से मेरा वीडियो देखते हैं? बहुत दिनों से देख रहा हूँ। अरे सबसे पहला वीडियो मैं ब्रह्मपुत्र नदी का देखा था, उसी के बाद से मैं आपको फॉलो और सब्सक्राइब किया। तो लगभग 2-2.5 महीना हो गया होगा पक्का। तो ऐसे ही भैया सपोर्ट करते रहिए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। उनसे मिले अभी भी 3-4 लोग आए थे मिलने के लिए, वो चले गए हैं। तो हम सफ़र करेंगे आज आरा से आगे तक जाएंगे। हमारा चौथा दिन है और अभी हम लगभग 100 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, क्योंकि थोड़ा सा घर का या बहुत ज़्यादा ही याद आ रहा है इसी वजह से। और अब धीरे धीरे जो है सो धीरे धीरे मतलब समय बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक होगा और पुराने वाले रफ्तार से हमारा यात्रा चालू रहेगा। थोड़ा सा ही आगे आए थे, लगभग 10-15 किलोमीटर, तो एक ढाबा मिला है भाई, ये वाला ढाबा है। और चलो खाते हैं कुछ, देखते हैं क्या है खाने में। देख लिया ना, 80 रुपये का खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं। क्या बताऊं भाई, बारिश 2-3 बार पकड़ा गया और मतलब रुकना पड़ा। और उसके बाद जो है सो हम आ गए एक दुकान पे, ये खरीदे हैं। और ये भैया हैं। भैया ये कौन सी जगह है? कन्हौली। कन्हौली, तो अभी हम कन्हौली में हैं और ठीक है भैया निकलते हैं। ये भैया भी है, इनके यहाँ से ये लिए हैं हैंड वॉश। ठीक है निकलते हैं अब यहाँ से और जो भी होगा भाई बताते चलेंगे। तो अभी हम बीटा से थोड़ा सा पीछे आए हैं तो ये भैया लोग मिले हैं। हेलो भैया, कुछ कहेंगे हमारे लिए? बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा आप काम करने जा रहे हैं और हमारे समस्तीपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहारी में बहुत पावर होता है, आज हमें पता चला। कहा जाता है दोस्त, एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी मारा मारी और 3 बिहारी तो जगह हमारी। बिल्कुल भाई फतह करेंगे और मेरी विशेष है आपके साथ में, बिल्कुल आप पहुँचे अपनी मंजिल को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू। और भैया ने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया है, तो ठीक है निकलते हैं अब यहाँ से आगे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं सोन नदी के बिल्कुल सामने, और सामने है सोन नदी। देखो भाई यही है सोन नदी, कितना खूबसूरत है ना नज़ारा, और उतना ही खूबसूरत है यहाँ के लोग, बताऊँ कैसे। अभी जो है सो हम आ रहे थे बहुत पीछे यहाँ से, करीब 500 मीटर पीछे हम आ रहे थे, तो एक 3 लोग आया और कपड़ा उपड़ा नहीं पहनने था वो, और बोला कि भाई एक कॉल बात करवा दो। और हम बोले ठीक है करवा देते हैं। फिर हमको शक हो गया कि भाई कपड़ा उपड़ा है नहीं, 3 लोग हैं, कहीं गड़बड़ लोग तो नहीं ना, ये सोच के ना मतलब हम उसको बोले कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, और ये बोल के हम चले गए वहाँ से। और लेकिन उससे पहले पूछे थे क्या कि आरा का रास्ता किधर से है, तो वहाँ पे ना मतलब हमारा मैप में भी दिखा रहा था उस तरफ से, वहाँ पर उसे थोड़ा दूर पीछे हम मुजफ्फरपुर का देखे थे, हमको लगा कि ये रास्ता मुजफ्फरपुर जाता है ये वाला रास्ता, और उधर रास्ता आरा के लिए जाता होगा, तो हम थोड़ा सा अंदर चले गए उसकी बात को सुन के। और जैसे ही थोड़ा सा अंदर गए ना, वहाँ पर हमको 2 लोग और मिले और वो अच्छे लोग थे। मैंने उनसे पूछा तो बोला आरा का रास्ता ये नहीं है बुआ, तुमको सीधा जाना चाहिए। उसी उतना ही देर में वो जो 3 बाइक वाले थे ना, वो भी पहुँच गए वहाँ पे, और वो बोला कि भाई आरा का रास्ता ये नहीं है आगे से है। हम समझ गए कि भाई मेरा फ़ोन छीनने का कोशिश किया, अगर हम उधर जाते तो मेरा फ़ोन छीन लेता पक्का। क्या किए हम वहाँ से स्पीड में जब आगे तक आ गए, और आगे अचानक से सोन नदी पर आ गए हम, सोन नदी पे यहाँ पे नहीं भाई, वो कोना पे आ गए थे, वहाँ पे एक क्या लगा हुआ था, कोई बड़ा सा गाड़ी लगा हुआ था वहाँ पे आगे, वहाँ पे 2-3 लोग और थे, वहाँ पे आगे हम खड़े हो गए। और वापस से देखे ना कि वो लोग 3 फिर से आ रहा था, मतलब 100% 3 बार कोशिश किया हमारा फ़ोन छीनने का। अगर हमारा वीडियो यहाँ के प्रशासन लोग देख रहे हो तो इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो कोई यहाँ बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे, हालांकि हम बाहर के नहीं है समस्तीपुर के ही हैं। क्या और इस वक्त मैं हूँ आरा और पटना के बीच सोन नदी पे। ठीक है अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, जो भी होगा एक्टिविटी वो हम आपको बताएंगे। तो भाई बारिश होने के बावजूद आज साइकिल को खूब मतलब घुमाए हैं और हम पहुँच गए हैं इस पेट्रोल पम्प पे, रिलायंस का पेट्रोल पम्प है, और यहीं पर हमारा बात हो गया है, यहीं पर रुक जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल देखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे, कहीं और जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे हम आपको बताएंगे, तो सर अपडेट देते रहेंगे। अगले वीडियो का इंतजार करिए, इस वीडियो में इतना ही, मुँह में छला हो गया ना, बोलने में नहीं होता, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए। ठीक है बाय बाय, इसी यहीं पर रहेंगे और कल निकलेंगे यहाँ से। बाय।